मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा।
सब अस्सलाम वालेकुम सारे स्टूडेंट्स, सबको जो है वो मेरी आवाज़ और स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे कंफर्म करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करने लगे अपना। कल हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था तो लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे। तो काइंडली चैट बॉक्स के थ्रू मुझे कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और साथ में स्क्रीन भी शेयर हो रही है। जो लोग भी मेरी शीट खराब कर रहे हैं ना, काइंडली इसको डिलीट भी कर दो। अब डिलीट कैसे करोगे, तो मैंने तो ऑप्शन खत्म कर दिया। अभी लिखा रहेगा तमाम शीटों में यार, बहुत बड़े हुए ये को लिखा रहेगा ये यस। शराफत से बता दे किसने लिखाई, सी किसने लिखा और ये यस किसने लिखा, ये शराफत से बता दे मेरे। तो सबको आवाज आ रही है मेरी और ये जो स्लाइड है ये भी विजिबल है। आप लोग चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे हो, कोई इशू है? चैट अलाउ नहीं किया। अब चैट बंद, चैट मैंने ओपन कर दिया, बताएं चैट बंद हो गई थी गलती से, सॉरी भाई। वो चैट बंद थी वो उसकी तरफ से। थैंक यू थैंक यू, सही अभी है यार। चलिए जी क्लास शुरू कर रहे हैं हम। ओके हो गया, आवाज़ भी आ गई, आप लोग भी दिख गए। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अच्छा भाई, अब मुझे कंफर्म करते हैं जरा, ज़रा संजीदा हो जाते हैं लेक्चर ताकि ख़राब ना हो। अब मुझे क्लियर कर दें कि ये स्टीम मेथनॉल प्रोसेस हमने लिख लिया था या नहीं। चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि स्टीम मेथनॉल प्रोसेस हमने लिखा है कि नहीं। लिख लिया था, ठीक है। चलिए तो लिख लिया है, तो अब हम इस पे जाते हैं, हम सेपरेशन पे, ठीक है। सेपरेशन पे आ जाते हैं, लिख लिया तो सर कोई मसला नहीं है। बस ये 2 मिनट अभी कल के लेक्चर जो हेडिंग नंबर 3 हमारी चल रही है वो 2 मिनट और चलेगी, उसके बाद नई हेडिंग आएगी तो वो क्लियर हो जाएगी आपको। आप परेशान ना हो, और पिछले लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी तो वहां से आप अपना काम पूरा कर लीजिएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं। चले जी, तो आई होप खिजर आपको बात समझ में आ गई मेरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब स्टीम इथेनॉल प्रोसेस में हेडिंग डालने सेपरेशन, और सेपरेशन में हेडिंग डालने बाय प्रेशर। स्टीम इथेनॉल प्रोसेस में हेडिंग डालेगी
सेपरेशन की और सेपरेशन के बाद हेड एंड डलेगी बाय प्रेशर। बाय प्रेशर की हेडिंग क्या बोल रही है भाई, अगर आप जरा चैट बॉक्स रोक दें आप, तब जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा तो मैं ले लूंगा आपके चैट क्वेश्चंस। तो बाय प्रेशर की हेडिंग क्या बोल रही है कि भाई दो गैसेज है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है भाई, दो गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी में पार्शियली सॉल्युबल है और हाइड्रोजन कंप्लीटली इनसॉल्युबल। पार्शियली सॉल्युबल वो होते हैं जिनको प्रेशर लगा के डिसॉल्व कराया जा सकता है, यानी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे। और हाइड्रोजन इनसॉल्युबल का मतलब कुछ भी कर लो ये सॉल्युबल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियली सॉल्युबल होने का जो सबूत है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी बोतलें जो पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि अगर कोल्ड ड्रिंक जो है वो फ्रिज में रखी हुई है, फ्रीजर में या फ्रिज में, शीशे वाले फ्रिज में दुकानों पे जो होते हैं, और उसमें आप गौर से देखें तो उसमें आपको कोई गैस दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो कॉर्क लगा होता है उसका जो ढक्कन लगा होता है ना वो प्रेशर मेंटेन करता है। तो प्रेशर की वजह से वो सॉल्युबल रहती है, और जो चीज पानी में सॉल्युबल होती है वो गायब हो जाती है। इससे नमक पानी में डिजोल्व होता है, गायब हो जाता है, तो आपको कोई गैस दिखाई नहीं देती क्योंकि वो डिजोल्व हुई भी होती है। जैसे आप कॉर्क ओपन करते हैं, ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है, प्रेशर रिलीज होता है तो वो दिखने लग जाती है सुपैस सुपैस सी, और थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद तो कोल्ड ड्रिंक पीने के काबिल नहीं रहती और आप बोलते हैं कि सारी गैस बाहर आ। तो इस एग्जाम्पल से भी साबित हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल कब है, जब आप प्रेशर लगा। अब मेथड क्या रहा है कि आपने क्या किया, मिक्सर है कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, और आपने इस मिक्सर में डाल दिया वाटर, और मिक्सर में वाटर डालने के बाद आपने प्रेशर अप्लाई किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वहां पहले से थे, तीसरी चीज आपने वाटर डाली, फिर आपने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से इतना हलवा प्रोसेस है ये समझ में आने के लिहाज से कि प्रेशर अप्लाई करने कार्बन डाइऑक्साइड तो पानी में हो गई डिसॉल्व। और हाइड्रोजन क्योंकि पानी में इनसॉल्युबल है तो जैसी पड़ी हुई थी वैसी पड़ी हुई, तो दो गैसेज में से एक तो गैस पानी में डिसॉल्व होकर डिसअपीयर हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, और एक गैस जो है वो वैसे ही है जैसी है यानी हाइड्रोजन, तो आसानी से क्या हो जाएगी सेपरेट। तो इस मेथड में हमने हाइड्रोजन को सेपरेट किया बाय प्रेशर। एक दफा मैं आपको और सुनाता हूँ, दो गैसेज हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, तीसरा हमने उसमें ऐड किया वाटर। वाटर ऐड करने के बाद हमने अप्लाई किया हाई प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया डिसॉल्व क्योंकि वो पार्शियली सॉल्युबल है, डिसॉल्व होकर डिसअपीयर हो गई गायब। हाइड्रोजन क्योंकि हर सूरत में इनसॉल्युबल है, कुछ भी कर लो डिसॉल्व नहीं होती, लिहाजा वो अभी भी गैस फॉर्म में वहां दिख रही है, लिहाजा उसको वहां से अलग कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन थ्रू हाई प्रेशर। चले वर्डिंग लिख लें उसके बाद में क्वेश्चंस लिखता हूं। सारे लोग हेडिंग तो डाल चुके हैं बाय प्रेशर की, वर्डिंग लिख। अच्छा भाई लिखिए, इन दिस मेथड In this method, water is added. In mixture of carbon dioxide and hydrogen gases. In mixture of carbon dioxide and hydrogen gases. In mixture of carbon dioxide and hydrogen gas. Full stop. On the application of high pressure, कैमरे ऑफ करें अपने सब लोग, जॉन विराम कैमरा ऑफ कर दो। On the application of high pressure. On the application of
हाई प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड बिकम सॉल्युबल, कार्बन डाइऑक्साइड बिकम सॉल्युबल हेंस डिसअपीयर, कार्बन डाइऑक्साइड बिकम सॉल्युबल हेंस डिसअपीयर. हाँ भाई, बिकम सॉल्युबल हेंस डिसअपीयर. व्हाइल हाइड्रोजन बीइंग इनसॉल्युबल, व्हाइल हाइड्रोजन बीइंग, व्हाइल हाइड्रोजन बीइंग इनसॉल्युबल, बीइंग की स्पेलिंग देख लीजिएगा. हाँ, मैं अभी बताता हूँ रिकॉर्डिंग के बारे में डिटेल से, आप पहले पढ़ लो. व्हाइल हाइड्रोजन बीइंग इनसॉल्युबल सेपरेटेड इन गैसियस फॉर्म, व्हाइल हाइड्रोजन बीइंग इनसॉल्युबल सेपरेटेड इन गैसियस फॉर्म, सेपरेटेड इन गैसियस फॉर्म, सेपरेटेड इन गैसियस फॉर्म. Separated in gaseous form. इस method में भी आप note कर रहे हैं कि कोई reaction नहीं है, तो reaction नहीं होने का मतलब है कि ये भी physical method है. Physical method उस method को बोलते हैं जिसमें reaction नहीं होता. अब आपको question अलावा भाई question कर लें आगे बढ़ने से पहले, chat box इस्तेमाल करें, कोई issue हो तो बताएं. अच्छा, अब्दुल्ला के अलावा और कोई है जिसको आवाज का इशू आ रहा है? अगर ज्यादा लोगों को आ रहा है तो फिर मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ. तो अब्दुल्ला, आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो आवाज आने लग जाएगी, वो तो नेट की वजह से होता है. आवाज में ये होता है कि वो अगर सही मसला कर रही तो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है. बाकी ये है कि अगर आपको बहुत देर तक ये इशू आता रहे तो आप रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है. जिसको भी आवाज़ का इशू बहुत ज़्यादा देर तक रहे और बहुत ज़्यादा देर तक आवाज़ ब्लर हो रही हो, या मतलब ब्लर तो वर्ड सही नहीं, आवाज़ क्लियर ना हो या फिर मसला हो रहा हो, तो वो रिकनेक्ट कर ले. चलिए, अब यहाँ तक कोई सवाल कर लें आप, कुछ सवाल प्लीज. नहीं, ये फोर हसन, ये फोर मेथड नहीं है, थर्ड मेथड की सब हेडिंग थी. थर्ड मेथड था, मैं आपको दिखा देता हूँ. थर्ड मेथड था हमारा, थर्ड मेथड था भाई स्टीम मेथनॉल प्रोसेस. अगर आप देखें स्क्रीन पे देखें तो थर्ड मेथड है, सी जो लिखा हुआ थर्ड मेथड है. थर्ड मेथड था स्टीम मेथनॉल प्रोसेस, ये उसी की सब हेडिंग चल रही थी. अभी फोर्थ मेथड पे आएंगे, फोर्थ अभी शुरू नहीं किया. हाइड्रोजन को बनाने के 6 में से हमने 3 मेथड पढ़ लिए, कंप्लीट हो गए. अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पढ़ेंगे आज. समीर, क्या सवाल किया, रिपीट करो. हाँ, मिल गया सवाल. सर, हाउ डू वी मेक श्योर दैट वेडिंग वाटर गैस डज नॉट एस्केप? वो तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, ये आप लेबोरेटरी में तो कर नहीं रहोगे. इंडस्ट्री में इसका पूरा प्रोसेस वो होगा, मतलब डिजाइनिंग होगी. इंडस्ट्री में जो प्लांट होगा उस पर पूरी इस तरह की डिजाइनिंग होगी कि वाटर को ऐड करते हुए मेक श्योर करेंगे कि वो एस्केप ना करें. तो वो आपके लेवल पे नहीं है, ऐसी बात है, वो इंडस्ट्री का इशू है, इंडस्ट्री इसको हैंडल करेगी. हम सब कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या है, उसको कैरी ऑन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो इंडस्ट्री करेगी. ऐसी बात है, आपको वो इस लेवल पे नहीं पढ़ाते तो आपको नीड नहीं. तो कॉन्सेप्चुअल जो हिस्सा है ना, वो हमने पढ़ लिया. अब प्रैक्टिकली ये कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को अलग कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है. ऐसी बात है, उस प्लांट में उस तरह से डिजाइनिंग होगी कि सब चीज़ें होगी. आई होप कि आप मेरी बात समझ गए. चले जो मेथड नंबर 4 पे चल लें, पूरी क्लास सवाल नहीं आया इसका तो क्लियर हो गया. मेथड नंबर 4 बिल्कुल हटकर है. वो लोग जो पिछले 2-3 लेक्चर में नहीं भी थे, 2 लेक्चर में, 2 ही लेक्चर हुआ है, तीसरा है, तो वो लोग जो पिछले 2 लेक्चर में नहीं थे, अब जो हेडिंग आ गई है ये, और जो 2 हेडिंग और है उसमें 90% चीजें नहीं है. हाँ, 10% कहीं पुराना आएगा तो वो रिवाइज भी हो जाएगा और आप बाद में भी रिकॉर्डिंग से देख सकते.
तो मेथड नंबर फोर इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मेथड नंबर चार है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अच्छा ये इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल फर्स्ट ईयर वाली है, पर फर्स्ट ईयर में ही होती थी चार नंबर में, यहाँ पे एक नंबर में, तो जाहिर सी बात है आप अगर उसको उतना टाइम देंगे और उतनी अहमियत देंगे और उतना माहौल देंगे तो ये तो बहुत ज्यादती है, तो लिहाजा आपने एक दफा में इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स मुझसे सीखने हैं अभी और जहन में बैठा लेना है, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस जब भी दोबारा आए तो परेशानी ना हो आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस सिलेबस पे जब भी आएगी तो उसकी सेकेंडरी हैसियत होगी, यानी कि अहमियत बहुत कम होगी फर्स्ट ईयर के मुकाबले। तो इलेक्ट्रोलिसिस के तीन मेन हिस्से, ठीक है, एक को आयनाइजेशन बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड। मैं पूरा पहले पढ़ा दे रहा हूँ फिर मैं लिखा, तो पहले पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद वर्डिंग लिखेंगे फिर क्वेश्चन ले लेंगे आपके। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पानी, क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर फोर में आपने पढ़ा था कि इसकी शेप एंगुलर होती है और ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं दो, और कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं वो आयनाइज होते नहीं, आपको पता, पर पानी को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो आयनाइज होता है, वाटर को ये एबिलिटी दी है नेचर ने कि वो आयनाइज होता है, और कब आयनाइज होता है जब उसमें थोड़ा सा अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालते हैं। अभी क्योंकि बिल्कुल अलग सी पढ़ाई है और हम जाहिर सी बात है हम कुछ और पढ़ रहे हैं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे, तो अभी इस पे नहीं जाते हम, एप्टीट्यूड लेवल पे अगर जिक्र निकला कभी तो मैं आपको इस पे बात करूँ कि किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल हम किताब को फॉलो करते हैं कि पानी जो है वो आयनाइज होने के लिए आपसे एसिड या बेस मांगता है, अगर पानी में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला जाए या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाला जाए तो पानी आयंस में ब्रेक हो जाए। तो सबसे पहले हमने वाटर को आयनाइज किया, उसमें एसिड या बेस डाला, और मतलब कोई एक चीज डाली एसिड या बेस स्मॉल अमाउंट में तो वो आयन में ब्रेक हो गया, आयन में जब ब्रेक हुआ तो उसने पॉजिटिव आयन दिया एच प्लस जो कि एसिड से पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में, और नेगेटिव आयन दिया OH माइनस जो कि बेस के लिए पढ़ा था आपने। तो सबसे पहले वाटर आयनाइज हो रहा है, सबको ये बात क्लियर हो गई है, वाटर आयनाइज हो रहा है किसकी मदद से, एसिड या बेस की मदद से, और एच प्लस दे रहा है आपको और OH माइनस। अब जब आपको आयन मिल गए तो आयन मिलने के बाद अब कैथोड और एनोड पे बात कर लेते हैं, जिनको याद है फर्स्ट ईयर का वो भी बोर नहीं होंगे क्योंकि इतना लंबा नहीं खींचेंगे, और जिनको फर्स्ट ईयर का भूल गया उनको मैं याद दिला रहा हूँ, पर जो जो बातें मैं याद दिला रहा हूँ उनको आपने कॉपी के टॉप पे लिखना है, अगर आपको ये भरोसा है कि याद रह जाएगा अच्छी बात है वरना लिखना। पहली इन्फॉर्मेशन कैथोड के बारे में है कि कैथोड खुद नेगेटिव है, ठीक है भाई, कैथोड के बारे में इंफॉर्मेशन नंबर वन क्या हो गई कि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, खुद नेगेटिव होता है, और खुद नेगेटिव होने की वजह से वो पॉजिटिव आयन को अपने पास बुलाता है, कैथोड खुद नेगेटिव है और पॉजिटिव आयन को अपने पास बुलाएगा, ये दो बातें होगी, खुद नेगेटिव है और कौन सा आयन को अपने पास बुलाएगा, पॉजिटिव। नंबर टू कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना उनके पास इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं, दो तीन बातों में से एक हो गई कि जो कैथोड है वो खुद नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को बुलाएगा, दूसरी बात कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं लिहाजा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पॉजिटिव आयन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसीलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन। दो बातें हो, तीसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना पॉजिटिव आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्लस वन होगा तो एक गेन करेगा, प्लस टू होगा तो दो गेन करेगा, प्लस थ्री होगा तो तीन गेन करेगा, प्लस फोर होता है। तो ये तीन बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली बात मैंने क्या बोली कि कैथोड खुद नेगेटिव होता है लिहाजा आपके पास बुलाता है पॉजिटिव आयन, जो भी हो नाम जो भी हो, दूसरी बात पॉजिटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं लिहाजा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन, और तीसरी बात के जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब ये तीनों बातें यहाँ अप्लाई हो रही है, देख लें आप, हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज है लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो हाइड्रोजन ले लिए तो दो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, एक हाइड्रोजन होता तो एक गेन होता,
दो हाइड्रोजन है तो दो गेन कर लिए। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया, एक तो नाम उसने जॉन इब्राहिम ऐसा लिखा हुआ है कि मैं बोल भी नहीं सकता, भाई अपने असली नाम तो लिखो, ऐसे काम करते क्यों को नाम छुपाने पड़ रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट में मैंने ये बताया कि पॉजिटिव आयन पे जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस वन होगा तो एक गेन करेगा, प्लस टू होगा तो दो गेन करेगा, प्लस थ्री होगा तो तीन गेन करेगा, ये पढ़ाया मैंने, हलवा तरीन बात बताई। अब इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि एच प्लस पे प्लस वन चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो इसलिए लिखे हुए क्योंकि दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होने के बाद हाइड्रोजन क्योंकि गैस है, ये बच्चों वाली बात है आपको पता है गैस है, तो गैस को एच तो लिख नहीं सकते तो उसको एच टू लिख दिया। तो दो हाइड्रोजन के आयन कैथोड पे गए, इलेक्ट्रॉन गेन किया, न्यूट्रल हुए, न्यूट्रल होने के बाद गैस बन गए, न्यूट्रल होने के बाद गैस बन जाएंगे और गैस बन के लिबरेट, बल्कि यहाँ लिबरेट का वर्ड नहीं होगा, कलेक्ट का वर्ड होगा, जमा कर। अब बिल्कुल इन तीन बातों को उल्टा कर दो तो ये एनोड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा, फिर आप क्वेश्चंस करिए। कैथोड को बिल्कुल रिवर्स करो तो एनोड बन जाएगा। एनोड के बारे में पहला सेंटेंस तो खुद पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आइन को बुलाएगा, खुद पॉजिटिव है नेगेटिव आइन को बुलाएगा। दूसरा जुमला, नेगेटिव आइन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतने वो माइनस करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतने वो क्या कर देता है, लूज या माइनस करता है। अब्दुल्ला मैं अभी रिव्यू कर देता हूँ, एनोड आप सुन लो, फिर एनोड को उल्टा करोगे तो कैथोड रिवाइज हो जाएगा, फिर मैं कैथोड दोबारा रिवाइज कर, वरना एनोड भी क्लियर नहीं होगा। तो एनोड के बारे में पहला जुमला क्या हो गया, एनोड खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव आइन को बुलाएगा। दूसरा जुमला, नेगेटिव आइन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा होते हैं उतने लूज करते हैं। और तीसरा जुमला क्या है कि जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतने लूज करेगा, जैसे माइनस वन है तो एक लूज करेगा, माइनस टू है तो दो लूज करेगा, माइनस थ्री है तो तीन लूज करेगा, माइनस फोर नहीं होता, माइनस थ्री करेगा। यहां पर भी अप्लाई करें अगर आप, तो यहां पर अप्लाई करने से क्या क्या दिख रहा है आपको चैट बॉक्स में, आप फॉलो कीजिए मुझे। अब चैट बॉक्स में अगर आप मुझे फॉलो करें पूरी क्लास, तो पहले ये ओ एच माइनस है क्योंकि उसके ऊपर माइनस वन चार्ज है, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और लूज करके ये न्यूट्रल हो। आयोग के सबको दिख रहा है ये। अब मसला ये है कि ये ओ एच नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं, न्यूट्रल तो हो गया, चार्ज खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था माइनस कर दिया, न्यूट्रल हो गया। पर मसला ये है कि OH नाम की चीज कोई नहीं होती, OH हमेशा किसी के साथ होता है, NaOH, KOH, CaOH twice, MgOH twice, अकेले नहीं होता। तो इसका मतलब है ये OH की फॉर्म में नहीं रह सकता। तो अगर ये OH की फॉर्म में नहीं रह सकता तो फिर चैट बॉक्स देखें अगर आप, तो OH की फॉर्म में नहीं रह सकता लिहाजा ये इस तरह से अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा है, चलो समझ लो बात भाई, रिस्पेक्ट तो दो। ओ अलग हो जाएगा और एच चलो, और क्योंकि आपको पता है ओ और एच जो है ये दोनों गैसेस हैं, तो इनको फिर मजबूरन आखिर में क्या लिखना पड़ता है, इनको लिखना पड़ता है ओ टू और क्या एच। ये हो गई कहानी खत्म। अब मैं अब्दुल्ला आपने सवाल किया था तो कैथोड रिवाइज करने को, तो मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं कि कैथोड खुद नेगेटिव है लिहाजा वो पॉजिटिव को बुलाएगा, ये पहली बात। पॉजिटिव जो होगा वो क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पॉजिटिव आइन के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्लस लिखा। और तीसरी बात, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतने गेन करेगा, प्लस टू होगा तो दो गेन करेगा, प्लस वन होगा तो एक। चले जी, तो मैंने अपने तौर पे पूरी बात बिल्कुल आसान तरीन वर्डिंग में रिवाइज कर दी है,
और रिपीट कर दी है, बार बार पढ़ा दिया है। अब जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का जिक्र आएगा, आप पहले आयन तलाश करोगे, फिर पॉजिटिव आयन को कैथोड पे बेच के टिकाने लगाओगे, फिर नेगेटिव आयन को एनोड पे बेच के टिकाने लगाओगे। कैथोड पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये हिप्स कर लो, आप भी रिलैक्स रहोगे, मैं भी रिलैक्स। चलिए वर्डिंग लिखते हैं, फिर सवाल लिखो। चलिए मेन हेडिंग है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पैरा नंबर वन लिखें। पैरा नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज आयोनाइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज आयोनाइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज आयोनाइज्ड बाय एडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज आयोनाइज्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। By adding a small amount of acid or base, by adding a small amount of acid or base as shown below, by adding a small amount of acid or base as shown below, as shown below के बाद आप equation लिखिए और पहली heading डालें कैथोड। ठीक है, पहली sub heading equation लिखनी है और equation के बाद पहली sub heading आएगी कैथोड। पहली सब हेडिंग कैथोड, उसमें लिखो ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैथोड की हेडिंग में लिख रहे हो आप ये, ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉमा, ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉमा हाइड्रोजन आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। Hydrogen ions move towards cathode. Hydrogen ions move towards cathode, comma, gain an electron each. Gain an electron each. GAIN. Gain an electron each. Become neutral, gain electron each, become neutral, and finally collected as, become neutral, become neutral and collected as hydrogen ions move towards cathode. Hydrogen ions move towards cathode. Hydrogen ions move towards cathode, comma, gain, G-A-I-N, gain electron each, gain an electron each, gain an electron each, become neutral, and collected as hydrogen gas. Become neutral and collected as hydrogen gas. Become neutral and collected as hydrogen gas. अब आप इक्वेशन लिख के एनोड की हेडिंग डालो। शाबाश,
चलो एनोड में लिखो, सिमिलरली हाइड्रोक्सीलाइन्स, सिमिलरली हाइड्रोक्सीलाइन्स, हाइड्रोक्सिल की स्पेलिंग देखो, सिमिलरली हाइड्रोक्सीलाइन्स मूव टुवर्ड्स एनोड, सिमिलरली हाइड्रोक्सीलाइन्स मूव टुवर्ड्स एनोड comma, lose L-O-S-E, lose electron each, L-O-S-E, lose electron each, lose electron each, become neutral and collected as, become neutral and collected as mixture of hydrogen and oxygen gases, and collected as mixture of hydrogen and oxygen gases, hydrogen and oxygen gases. अच्छा जो चार्जेस है ना ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं, आपको पता ही करना भूल गया, तो आपने आई होप के सही फॉर्म में लिख रहे होंगे, प्लस और माइनस को सही से लिखते हैं। चलो आप चैट बॉक्स में जरा मुझे बता दे अगर कोई मसले। शाबाश, हाँ O2 ऑक्सीजन है मास और H2 हाइड्रोजन है, इनका मिक्सचर बना है, बिल्कुल सही मिक्सचर ऑफ। अस्तन रिपीट पूरा नहीं कर सकता बेटा, ऐसा नहीं किया करो, पूरा आधे घंटे बाद रिपीट लिख देते। ये बताओ रिपीट क्या करो, हसन आप मुझे बताएं रिपीट क्या करो। अच्छा मूव टुवर्ड्स कैथोड, नहीं हाइड्रोक्सीलाइन मूव टुवर्ड्स एनोड, एजाज में आपका भी जवाब देता हूँ, थोड़ा सा सबर कर, पहले वर्डिंग पूरी कर दूँ। मूव टूवर्ड्स एनोड, लूज इलेक्ट्रॉन ईच, LOSE, लूज एन इलेक्ट्रॉन ईच, लूज एन इलेक्ट्रॉन ईच, become neutral become neutral and collected as mixture of oxygen and hydrogen gases, collected as mixture of oxygen एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा हाइड्रोक्सिल इसलिए कहते हैं कि इसमें OH होता है, OH ऑक्सिल के लिए O का वर्ड है, हाइड्रो H के लिए वर्ड है, बच्चों वाला बात है, हाइड्रोक्सिल H के लिए हाइड्रो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सिल, हाइड्रोक्सिल। अच्छा ऊपर एक सवाल था फर्स्ट इक्वेशन में आयनाइजेशन हो रही, पानी ब्रेक हो रहा है, वर्डिंग पढ़े आप, उसमें लिखा हुआ है कि पानी को ब्रेक करने के लिए एसिड बेस डाला तो पानी आयन में ब्रेक हो गया, एक पॉजिटिव आयन मिल गया H पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिल गया OH नेगेटिव। OH पे -1 चार्ज था लिहाजा उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, रिवर्सिबल तो आयनाइजेशन होती है जब भी होती है ना, आयनाइजेशन तो होती है रिवर्सिबल है, तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें पहला स्टेप आयनाइजेशन होता है और आयनाइजेशन हमेशा रिवर्सिबल ही होती है, लिहाजा उसको इसी तरह लिखते हैं, बस वो आपका इशू नहीं है, जितने भी आयन्स होंगे वो इस्तेमाल लेंगे हम।
रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम पे तो आएगा ना, तो इक्विलिब्रियम पर आएगा तो जितनी भी अवेलेबल लाइंस होंगे उनके इस्तेमाल करें। और सवाल किसी का रह गया तो रिपीट कर ले, मैंने रिपीट कर दी सारी बात। H2 और O2 मिक्स हो जाएंगे बिल्कुल, पर इनकी सेपरेशन बुक में नहीं है। ये बड़ा, ये तगड़ा सवाल है, प्यारा सवाल है, किसने किया है, इसकी तारीफ बनती है भाई। नाम पढ़ने दे, नाम नहीं आ रहा इस बंदे का, कौन है, कौन है जिसने सवाल किया है कि ये H2 और H2? तायर है, तायर ने बहुत अच्छा सवाल किया। तायर, तो ये दोनों बिल्कुल मिक्स होंगे, पर इनकी सेपरेशन क्योंकि बुक में नहीं है तो मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि बुक में नहीं है। बाकी बिल्कुल ये मिक्स होंगे और सेपरेशन करनी पड़ेगी। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला। और किसी की क्यूरी अगर रिजॉल्व नहीं हुई, एक साथ क्वेश्चन आ गए थे तो हो सकता है जो है किसी के आगे पीछे हो गए हो, तो किसी का सवाल का अगर जवाब मैंने नहीं दिया तो काइंडली वो कॉपी पेस्ट कर दे अपना सवाल, प्लीज मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्लियर हो गया तो आगे चले। सबको क्लियर है भाई? चले बहुत अच्छी बात हो गया। अच्छा, मेथड नंबर हमने, मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि आप जरा बात समझ लें कि हाइड्रोजन को बनाने के जो खास तौर पे कल नहीं थे वो भी गौर से देख लेना, ताकि रिकॉर्डेड लेक्चर से उनको बात समझ में आ जाए। देखिए, हाइड्रोजन को बनाने के टोटल है 6 मेथड में से 4 में पानी इस्तेमाल होता है, तो ऊपर लिखा हुआ है बाय वॉटर। तो हाइड्रोजन को बनाने के 6 मेथड में से 4 में पानी इस्तेमाल होता है, इसीलिए लिखा हुआ है बाय वाटर। बाय वाटर के 4 सब मेथड है। ए, पासिंग स्टीम हो गया, चल रही है, फिर बी, रिएक्शन बिटवीन स्टीम हो गया, फिर सी, स्टीम मेथनॉल हो गया, फिर अब ये डी, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ये 4 मेथड हो गए, तो ये 4 मेथड पानी वाले हो गए। 6 मेथड में से 4 मेथड वो होगा जिसमें पानी इस्तेमाल होता है। अब हम मेथड नंबर कर रहे हैं 5, पर ये 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बाय वाटर को 1 बोला, तो बाय वाटर को 1 बोला था इसीलिए इसको 2 लिख रहे हैं, लेकिन ये है मेथड नंबर 5। ये बात सबको क्लियर हो गई है? बड़ी मामूली बात, इसमें ही फंसते हैं। तो ये मेथड नंबर 5 है और इसको लिखते हैं मेथड नंबर 2 है, और ये सबसे आसान है, पेपर में लाजमी करना आप। अब मेथड नंबर 5 वैसे हेडिंग के लिहाज से 2 बाय नेचुरल गैस, अब नोट कर रहे हैं इसे पानी ही नहीं है ना। अब ये मेथड कह रहा है कि आपने नेचुरल गैस ली, नेचुरल गैस CH4 को बोलते हैं, अगर आपको याद हो CH4 में CO और H के दरमियान 4 बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। फर्स्ट ईयर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी का, और बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक ये कहता था कि मॉलिक्यूल को हीट करो तो वो ब्रेक हो जाता है। बस यही हमारा बच्चों वाला टॉपिक है कि कंटेनर में नेचुरल गैस ली हमने, नेचुरल गैस को हमने हीट किया 700 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बुक बताती है उसका लॉजिक से ताल्लुक है। तो कंटेनर में हमने नेचुरल गैस ली, उसको हीट किया 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड को उसके सारे बॉन्ड टूट गए। 4 बॉन्ड होते हैं मिथेन में, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर का, 4 सिंगल बॉन्ड, चारों बॉन्ड ब्रेक हो। जब चारों बॉन्ड ब्रेक हो गए तो सी और एच का कनेक्शन, तो सी और एच का कनेक्शन खत्म, तो सी अलग हो गया सॉलिड फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन अलग हो गया गैसेस फॉर्म में। अब एक सॉलिड है और एक गैस है, तो सेपरेशन भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, जिंदगी आसान। तो सबसे आसान मेथड है ये बच्चों वाला, एक दफा में समझ में आ जाता है, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पर एक दफा में समझ में आ जाता है ये कि आपने कंटेनर में मिथेन ली, माज अभी तक एनोड की इक्वेशन पे बैठे हुए हो, ऐसा ना करो, लिखो जल्दी से एनोड की इक्वेशन, शाबाश। जल्दी 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 चलो, अब इस मेथड को मैं रिवाइज कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो कंसंट्रेट नहीं कर पाए होंगे। चलो भाई, तो कंटेनर में हमने नेचुरल गैस ली जिसको मिथेन भी बोलते हैं आप, उसको हमने हीट किया 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वहां पे 4 अदद कोवेलेंट बॉन्ड थे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े थे, हीट करने से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो चारों बॉन्ड ब्रेक हो गए, चारों बॉन्ड ब्रेक हो गए तो सी और एच, कार्बन और हाइड्रोजन का कनेक्शन खत्म,
सी अलग हो जाएगा, एच अलग हो जाएगा। सी क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको सी लिखा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है तो उसको एच टू लिखा है, और फिर बैलेंस कर लिए। अब क्योंकि कंटेनर में एक चीज सॉलिड है और एक चीज गैस है, लिहाजा सेपरेशन भी नहीं पड़नी, 20 सेकंड में आप एक नंबर ले लेंगे इसमें। तो एनी फोर मेथड पेपर में बोलते हैं तो अच्छे स्टूडेंट इसको जरूर कर। चलिए शाबाश, इसकी वर्डिंग लिखते हैं। वर्डिंग के बाद मुझे बताना अगर मसला हो। When natural gas is heated in a container, when natural gas is heated, एक दफा में लिखना है सबने, दोबारा वर्डिंग नहीं लिखवाऊंगा, इतना आहिस्ता आहिस्ता लिखवाता हूँ, 100-100 दफा बोल के एक दफा में लिखना है। When natural gas is heated in a container, is heated in a container at 700 degree centigrade, at 700 degree centigrade, comma, at 700 degree centigrade, comma, all covalent bonds decompose, all covalent bonds decompose, all covalent bonds decompose to form hydrogen gas, to form hydrogen gas with, to form hydrogen gas with solid carbon black, with solid carbon black, with solid carbon black, कार्बन ब्लैक को चैट बॉक्स में देख लीजिएगा, गलत ना लिखिएगा, नाम है इसका कार्बन, उसकी नेचर है, पूरा नाम है कार्बन ब्लैक। ये ऐसे ठीक है भाई, कार्बन ब्लैक उसका इंडस्ट्रियल नेम है, कार्बन उसकी फॉर्म है और इंडस्ट्रियल नेम है कार्बन ब्लैक। अच्छा, कार्बन ब्लैक के बारे में याद रखें, ऑब्जेक्टिव में आता है कि शू पॉलिश बनाने में इस्तेमाल होता है, आपको पता है रिपीट बहुत होते हैं ऑब्जेक्टिव पास पेपर से, तो कार्बन ब्लैक और सिलेबस में दोबारा नहीं आएगा, बस इतना याद रखें कि शू पॉलिश बनाने में इस्तेमाल होता है, आ जाए तो आप हैरान ना हो। इक्वेशन लिख ले शाबाश, चैट बॉक्स में बताएं अगर मसला है कोई। शू पॉलिश, जूता, जूता होता है ना, जूता, जूते की पॉलिश में शू पॉलिश, SHOE, शू पॉलिश। समीर क्लियर है ये बात? वैसे तो इंक बनाने में भी इस्तेमाल होता है ब्लैंक इंक, और जो पेपर में आता है वो शू पॉलिश के लिए। चले आखिरी 5 मिनट है, आई होप के वो ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा टफ है, पढ़ाना पढ़ना दोनों, लेकिन बहरहाल क्योंकि ऑलरेडी हम एक महीना पीछे हैं, जून में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जुलाई में हुई हैं, तो लिहाजा हमें थकना नहीं है और पेस अपना सही रखना है ताकि आप फायदा उठा सकें सही तरह से मामला का। तो आखिरी जो 5 मिनट है हमारे पास, इसमें आप ये मेथड नंबर 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये है मेथड नंबर 6, ठीक है, ये मेथड नंबर 6 पर ये मेथड नंबर 3 लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग डालें। और इसमें मुझे आपसे काम करवाना है, इसीलिए आप तैयार हो जाए 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट आपके काम। अब मेथड नंबर 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे। मेथड नंबर 2 में कंटेनर में मिथेन ली थी, मेथड 3 में कंटेनर में अमोनिया, वहां 700 पे हीट किया था, यहाँ पे 1000 पे हीट करना है। रिवर्सिबल का आपको सिर्फ साइन बनाना है, लिहाजा वो आपकी पढ़ाई को तंग करेगा नहीं। वहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा था या नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा,
वहां पे कार्बन हाइड्रोजन सेपरेट हो गए थे, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन सेपरेट हो गए, वहां पे कार्बन सॉलिड था लिहाजा सी लिखा है, हाइड्रोजन गैस था लिहाजा एच टू लिखा है, यहाँ पे दोनों गैसेज है लिहाजा दोनों के साथ टू लगाया हुआ है, एन टू प्लस और एच टू, उल्टे आपके बैलेंस नहीं किया मैंने, भूल गया तो आप कर। तो जरा आप मेथड नंबर टू की वर्डिंग पढ़ के इसकी वर्डिंग खुद बनाओ, शाबाश पूरी क्लास। अगर तुम्हारा सवाल क्लियर नहीं, मेथड नंबर सिक्स है पर लिखते थ्री है, बात तो मैंने पहले क्लियर कर दी ना, आप इससे तंग क्यों हो रहे हो, सबको परेशान करो, आप इसी तरह थ्री लिखोगे, सिक्स नहीं लिखोगे। अच्छा भाई पिछली बार ये वर्डिंग पढ़ के इसकी वर्डिंग बनाए सब पूरी क्लास, नेचुरल गैस की जगह पे वर्ड आ जाएगा अमोनिया, वर्डिंग नहीं लिखवाऊंगा मैं, स्पून फिटिंग आपको पता अटती है मेरी, एक घंटे से पढ़ रहे हैं आप लोग, आपको अटेंटिव होना चाहिए, पिछली वाली वर्डिंग में मोटे मोटे वर्ड चेंज होंगे, नेचुरल गैस की जगह पे आ जाएगा अमोनिया गैस, 700 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे आ जाएगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइड्रोजन गैस विद सॉलिड कार्बन ब्लैक की जगह पे आ जाएगा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। एक दफा और सुने वो लोग जो नहीं लिख पा रहे कि व्हेन नेचुरल गैस की जगह पे आ जाएगा व्हेन अमोनिया गैस, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा 700 की जगह पे, और आखिरी जो जुमला है जिसमें आपने लिखा है हाइड्रोजन गैस विद सॉलिड कार्बन ब्लैक, इसकी जगह पे आ जाएगा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, इसकी जगह पे आ जाएगा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। अब मुझे चैट बॉक्स पे कंफर्म करो अगर मसला है, पूरी क्लास किसी को भी लिखने में परेशानी है मुझे बताए, सबको क्लियर है, सब लिख पा रहे हैं। अब मैं एक दो इसको एक दफा पढ़ दे रहा हूं ताकि आप वेरीफाई करें कि व्हेन अमोनिया गैस इज हीटेड एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम डीकंपोज टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, इसी के आसपास अगर आपने लिखा है तो ओके, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं है जरूरी, कोई इशू नहीं। अच्छा अब मैं लेक्चर तो करूंगा यहाँ पे एंड सवाल लेके आपके, पर ये जो मैंने हेडिंग डाली है सेपरेशन बाय लिक्विफिकेशन, ये मैंने कल करानी तो है, पर आप में से वो लोग जिन्होंने कल का लेक्चर अच्छा से लिया था वो इस हेडिंग को खुद लिख पाएंगे अगर वो इंटरेस्टेड होंगे कल के लेक्चर को पढ़ के, टेम्परेचर -200 की जगह पे -196 कल पढ़ाऊंगा जरूर मैं, पर आप में से वो लोग जो कल का लेक्चर देखकर इसको खुद लिखना चाहे उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, दो चार लोग नए हैं उनकी वजह से मैं लिखवाऊंगा जरूर कल शुरू में, पर जो लोग खुद से लिखना चाहे उनको मैंने हेडिंग दे दी है, सेपरेशन बाय लिक्विफिकेशन हेडिंग है, कल का लेक्चर पढ़ के आप खुद लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, अंग्रेजी आपको इतनी आती है। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया -200 के बजाय -200 के बजाय -196। चले भाई तो आज का लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ, अब्दुल्ला ने तो मुझे बाय बोल भी दिया है, बाकी जो लोग हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लीव करेंगे, देख लें कोई भी मसला अगर आज पूरे लेक्चर में कोई मसला है तो मुझे बता सकते। अच्छी तरह क्लियर हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, एक तो गैलेक्सी वाला बंदा 80 नाम के साथ आया नहीं, वो तो आपकी क्लास में नहीं था शायद। चलो ओके हो गया, ठीक है भाई क्वेश्चन हो तो कल के शुरू में भी ले लेंगे आपसे इंशाल्लाह, कल मुलाकात होगी 8 बजे, कल 8 बजे मिलते हैं आप लोगों से, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में सबको याद रखिएगा, कल मिलते हैं ठीक है भाई, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।